राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भारतीय वायुसेना के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को नई दिल्ली स्थित एयरफोर्स स्टेशन में एक समारोह के दौरान सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पदक जीतने वाले 25 खिलाड़ियों और भारतीय वायुसेना की 6 टीमों को सम्मानित किया। इस समारोह के दौरान वायुसेना प्रमुख ने IAF खिलाड़ियों की उपलब्धियों को रेखांकित और भारतीय वायुसेना की खेल विवरणिका का भी अनावरण किया। समारोह को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख ने भारतीय वायुसेना के खिलाड़ियों की शानदार उपलब्धियों के लिए उनके प्रदर्शन की सराहना की। इंडियन एयरफोर्स इज प्राउड ऑफ दीज अचीवमेंट्स एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द एयर वॉरियर्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स आई अर्ज यू टू कीप अप द हार्ड वर्क स्ट्राइव फॉर ग्रेटर लॉरल्स वी होप टू सी मोर विनर्स हियर बीइंग फेलिसिटेटेड नेक्स्ट ईयर In particular, after the Olympics. Let us not only celebrate the past victories, but strive for greater heights in the years to come, breaking boundaries and continue to showcase the indomitable spirit of the Indian Air Force. एक तो इनको मोटिवेशन मिलता है जिन्होंने हार्डवर्क किया पूरे साल। आप जैसे देखते हैं स्पोर्ट्स बड़ा ग्लैमरस लगता है देखने में, लेकिन उसके पीछे जो हार्डवर्क होता है पूरे साल का, जब कोई ट्रॉफी जीते हैं या मेडल जीते हैं, तो हम इंकरेज करना चाहते हैं ताकि दो, एक तो इनको जो रिकग्निशन मिले जिन्होंने हार्डवर्क किया है। 7-8 लोग पिछली बार एशियन गेम्स में गए हैं। हम पूरे होपफुल हैं कि ऐसे ही हमारी अच्छी स्ट्रेंथ इस बार ओलंपिक्स में भी जाएगी और अच्छे परफॉर्मेंस के साथ वापस आएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे और एयरफोर्स का नाम भी रोशन करेंगे।